सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज जो टॉपिक है वो कुछ अलग टॉपिक है, मतलब रेगुलर से अलग है। आप आज कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम में जो यूज होने वाला कंटेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे G90 और G91। दरअसल ये दोनों भी एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है प्रोग्राम के ऊपर, जिसके अपना प्रोग्राम डिपेंडेंट। आइए देखते हैं G90 और G91 में क्या डिफरेंसेस है, वही आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब एक आपको दो प्रोग्राम दिखाऊंगा, उसमें मैंने G90 यूज किया है और दूसरे G91 यूज किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेगा। मतलब ऑपरेशन तो आपको सेम करना है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाला। तो चलिए, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि G90 और G91 में क्या डिफरेंसेस है। तो G90 है एब्सोल्यूट कमांड और G91 है इंक्रीमेंट कमांड। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखे दो अलग अलग प्रोग्राम बनाए, एक में मैंने G90 का इस्तेमाल किया है और दूसरे में G91 का इस्तेमाल किया है। जो भी हम प्रोग्राम में डिस्टेंस देते हैं वहाँ पे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं G90 और G91 का, ये प्रोग्राम में वो समझाऊंगा मैं आपको। तो उसके सपोर्टिंग मैंने एक ड्राइंग भी लगाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको 10 mm के ड्रिल से हमको 4 ड्रिल करने हैं, उसका डेप्थ है 10 mm। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट वाला ड्रिल है वहाँ पे हमारा XY0 है, मतलब वहाँ पे अपना वर्क पीस कॉर्डिनेट है, तो वहाँ से आगे हमको डिस्टेंस देना है सब। तो सेकंड वाला जो ड्रिल है उसमें देखेंगे उसका डिस्टेंस है ये 20 mm है, जो थर्ड वाला है उसको 50 mm है, जो फोर्थ वाला है वो उसका 70 mm है। तो ऐसे हमको 4 ड्रिल करने हैं। तो 4 ड्रिल करने के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा ये देखिए, ये इसमें ड्रिलिंग प्रोग्राम, ये नॉर्मल प्रोग्राम है जैसे आप नॉर्मली प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग और प्रोग्राम दोनों साथ में लगाए ताकि समझने में आसानी रहेगी आपकी। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट वाला ड्रिल है वो G98 G81 Z-10 R5 F200 M07, ये लाइन पे फर्स्ट वाला ड्रिल होगा। आप फर्स्ट वाली लाइन भी देख सकते हैं G90 में, G0 G90 G70 G80 G55 X0Y0। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला पोजीशन है वहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ड्रिल होगा। पांच नंबर लाइन पे देखेंगे, यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सब जो डिस्टेंस है Y0 पे, मतलब एक लाइन में है Y के, इस वजह से हमको Y की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे X की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो सेकंड वाला ड्रिल है उसका डिस्टेंस है 20 mm है, तो थर्ड वाला ड्रिल है उसमें 50 mm है, और फोर्थ वाला ड्रिल है 70 mm में। जो ऐसे डिस्टेंस है वैसे आपको प्रोग्राम में यूज करना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला ड्रिल है वहाँ से हमारा WPS हमने सेट किया है, उससे से वैसे हम सब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उसका। तो पांच नंबर पे देखेंगे X20, यहाँ पे हमारा सेकंड वाला ड्रिल होगा। तो उसके बाद में आगे वाले लाइन पे देखेंगे X50, यहाँ पे हमारा थर्ड ड्रिल हो जाएगा, और उसके बाद में देखेंगे X70, यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला ड्रिल होगा। ऐसे अगर हमको प्रोग्राम बनाना है G90 से अगर 4 ड्रिल का, तो ऐसे बनेगा उसमें। तो अभी हम देखेंगे G91 का इस्तेमाल करके प्रोग्राम कैसे बनेगा। उसमें देखिए जो ऊपर के भी चारों लाइनें वो सब सेम आएंगे इसमें, G0 G90 G70 G80 G55 X0Y0 ये भी सेम आएगा उसमें, और जो फोर्थ वाला लाइन है G98 G81 Z-10 R5 F200 M07 ये भी लाइन इसमें सेम आएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला ड्रिल है वो XY0 पे, तो हमको पहले उसको पोजीशन देने के लिए यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस वजह से हम यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन को आपको कंपलसरी G90 का इस्तेमाल करना है। जो भी आप दूसरा डिस्टेंस देंगे, ट्रैवल देंगे, वहाँ पे आपको G91 यूज करना है। तो यहाँ तक पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा 4 लाइन तक। आगे वाली लाइन पे देखेंगे हम G91 के प्रोग्राम में, यहाँ पे देखिए G91 का इस्तेमाल किया है, G91 मतलब इंक्रीमेंट कमांड। तो वहां से जो सेकंड वाला ड्रिल है आप देख सकते हैं ड्रॉइंग में, फर्स्ट वाला ड्रिल है XY0 पे, यहाँ पे जो चौथा नंबर का लाइन है, फोर्थ नंबर का लाइन है, वहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला ड्रिल हो गया है हमारा। उसके बाद में जो भी ट्रैवल करेगा एक्सिस वो है X20। तो G91 करने के बाद जो भी X20 है वो एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि एक्सिस को उतना ही ट्रैवल करना है, इस वजह से हमको G91 में उसका X20 का इस्तेमाल करना है। मतलब G91 में क्या होता है, जैसे आपका जो भी टूल का पोजिशन होगा, जो भी आपको डिस्टेंस देना है उससे आपको कितना ट्रैवल करना है उतने आपको
उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो 10 mm होगा तो आपको आपको 10 mm देना पड़ेगा। वैसे ही जहाँ से आपका पुल का पोजिशन है और आगे आपको जितना ट्रैवल करना है उतना ही आपको उसको डिस्टेंस देना है। आपका WPCC से कोई भी कंसल्ट नहीं रहता है G91 यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको जो ट्रैवल करना है वो 20 mm, इससे वैसे हम एक 20 देंगे यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे जो थर्ड वाला ड्रिल है उसका जो एक्स वाई से कैलकुलेट करे G90 के हिसाब से तो उसका 50 होता है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम G91 में इस्तेमाल करने वाले इस वजह से अगर 50 में से 20 माइनस करते तो 30 आता है। तो हमको 30 mm ट्रैवल करना है एक्सिस का, इस वजह से हम यहाँ पे X30 देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा 91 में चल रहा है। तो उसके बाद में देखेंगे फोर्थ वाला ड्रिल है एक्स वाई जेड से अगर कंसिडर करें तो उसका 70 होता है डिस्टेंस। तो 70 mm जाने के लिए हमारा फिलहाल में टूल 50 mm पे, तो वहाँ से अगर ट्रैवल करना है तो 20 mm हो जाएगा। इंक्रीमेंट कमांड होने की वजह से आपको आगे का डिस्टेंस देना है कितना ट्रैवल करना है, तो आपको सिर्फ 20 mm ट्रैवल करना है। इस वजह से आप यहाँ पे हम X20 का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे आपके G91 से चारों ड्रिल हो गए, तो ऐसे आपको यूज़ करना है। G91 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिससे आप पॉल्यूशन से आप बोरिंग कर सकते हैं। वो वीडियो की भी आप मदद ले सकते हैं समझने में। आपके रेगुलर प्रोग्राम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि G90 और G91 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।